अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज बतूल। वेलकम बैक इन बतूज किचन। सब कैसे हैं? उम्मीद सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आई एम बैक विद एन अदर अमेजिंग रेसिपी ऑफ समर्स। तो आज बतूज किचन में रेडी होगा बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही यमी सी कैरामल बटर स्कॉच आइसक्रीम, जो कि मैं नेहा खान की फरमाइश पर रेडी करूँगी। उन्होंने फरमाइश की थी बटर स्कॉच आइसक्रीम की, उनकी फरमाइश एंडलेस थी। तो आज मैं बटर स्कॉच आइसक्रीम की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, विदाउट कंडेंस मिल्क, विदाउट इलेक्ट्रिक बीटे के साथ मैं इसको रेडी करूंगी। बहुत ही यमी सी रेसिपी है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो बटर स्कॉच आइसक्रीम बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए व्हिपिंग क्रीम, हैवी क्रीम लेंगे 2 कप्स, बटर अनसॉल्टेड बटर, मक्खन मैंने यहाँ पे लिए 2 टेबल स्पून, चीनी शुगर लेंगे 1/2 कप, ड्राई फ्रूट से मैंने यहाँ पे लिए पिस्ते 10 से 15 अदद, बादाम लेंगे 10 से 15 अदद, काजू कैश्यू नट्स लेंगे 10 से 15 अदद, ड्राई फ्रूट अपनी मर्जी के मुताबिक ले सकते हैं, और वनीला एसेंस लेंगे 1 टीस्पून। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है पैन लेंगे, उसमें मैंने चीनी डाली है, शुगर 1/2 कप, फ्लेम को आपने जो है मीडियम टू हाई रखना है, चीनी को मेल्ट होने देंगे, कोई किसी किस्म का पानी शामिल नहीं कर रही, एक कतरा भी चीनी को, जो ऑटोमेटिकली सिरप होगा जो मेल्ट होगा सिर्फ उसी से मैं जो है इसका कैरेमल या बटर स्कॉच आप कह रहे हैं वो रेडी करूंगी। ये देखिए जी, चीनी जो है हमारी, शुगर हमारी डिजोल्व होनी शुरू हो गई है। देखिए जी, ये कुछ इस फॉर्म में आएगी, क्रिस्टलाइजेशन इसमें आपको देख रही है, ये और मेल्ट होगी लाइक दिस। देखिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैंने कुक करी है और इस तरह की शक्ल हो गई है इसकी। जितना ज्यादा आप इसको पकाएंगे उतना ही इसका डार्क कलर आएगा। मैंने इसको तकरीबन 7 से 10 मिनट पकाया है। ये देखें जी, कलर को जिस तरह आ गया। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मक्खन, अनसॉल्टेड बटर 2 टेबल स्पून, जितने भी मेरे पास नट्स अवेलेबल थे, पिस्ते, बादाम, कैश्यू नट्स, आलमंड्स, ये सब मैंने जो है चॉप, फाइनली चॉप करके मैंने इसमें डाल दिए। 1/2 कप हुए ये, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, इसको कुक करेंगे कुछ 2 मिनट के लिए हम। और ये देखिए जी, 2 मिनट हो गए, मैं इसको बटर पेपर के ऊपर फौरी फौरी आपने निकालना है, वरना ये इसी में जम जाएगी लाइक दिस। किसी भी चीज़ पे आप निकालें, किसी भी प्लेट में आप निकाल लीजिए। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे, जब तक ये कम्प्लीटली ठंडी ना हो जाए, ये कड़क हो जाएगी। अब एक और बोल लेंगे, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ व्हिपिंग क्रीम 2 कप, या हैवी क्रीम आप ले लें। इसको बीट करेंगे अच्छी तरीके से, मैं हैंड बीटर की मदद से बीट कर रही हूँ। आठ से दस मिनट तक बीट करूंगी मैं इसे हैंड बीटर की मदद से। अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर यूज करें तो आपने इसको 2 से 3 मिनट तक बीट करना है। 30 सेकंड्स के लिए आप इसको लो स्पीड पे बीट करेंगे, उसके बाद हाई स्पीड पे बीट करेंगे। सेम इसी तरीके से हैंड बीटर भी आप तकरीबन 1 मिनट तक आपने इसको स्लोली बीट करना है, 1 से 1.5 मिनट तक। उसके बाद आपने बीटर की जो हैंड बीटर की जो स्पीड है, अपने हाथ की स्पीड को तेज कर देना है, फोमी और फ्लफी सी होना शुरू हो जाएगी। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं वनीला एसेंस 1 टीस्पून, फिर से बीट करेंगे लाइक दिस। ये देखिए इसकी थिकनेस चेक कीजिएगा, ये इतनी थिक होगी। बटर स्कॉच जो है हमने प्रिपेयर किया था, जो कैरमल हमने प्रिपेयर किया था वो हो गया। इसको मैंने ठंडा करके इसके पहले पीसेस कर लिए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं गार्निशिंग के लिए बचाऊंगी ऊपर, और बाकी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छा, जो कैरमल का कलर है ना, वो ऑटोमेटिकली आइसक्रीम में आएगा। मैं किसी किस्म का कोई कलर ऐड नहीं कर रही, जो बटर स्कॉच का कलर है वो ऑटोमेटिकली जो है क्रीम के साथ मेल्ट हो जाएगा लाइक दिस। जी देखिए, जो मिक्स किया है वो कुछ इस तरीके से हुआ है। जो थोड़ा बहुत आपका सिरप जमने से रह जाए वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, तो आपका कलर जो है वो अच्छा सा आ जाएगा, ओरिजिनल कैरमल कलर। इतनी जबरदस्त सी आइसक्रीम का कलर आया है। अब इसको आपने एयर टाइट कंटेनर में निकाल लेना है। नहीं, इतनी मजेदार सी बटर स्कॉच आइसक्रीम रेडी होगी, ये तो जमने से पहले ही इतनी मजे की लग रही है। साय निकाल लेंगे। ऊपर से मैंने इस पर बटर स्कॉच डाल दिया। अब इसको कवर करेंगे, इसको 12 घंटे के लिए मैं रख रही हूँ फ्रीजर में। चलिए जी, मिलते हैं 12 आवर्स बाद। ये देखिए जी, 12 घंटे हमारे हो गए हैं, और मैं आइसक्रीम दिखाती हूँ कि कुछ इस तरीके से रेडी हुई है। आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसका टेक्स्चर है। अब इसको स्कूप आउट कर लेंगे स्कूपर की मदद से। देखिए जी, कितनी सॉफ्ट
और कितनी ज़बरदस्त सी बटर स्कॉश आइसक्रीम रेडी हुई है। आपको देखने में इतनी मज़े की लग रही होगी, अब इसको खाने के लिए आपने घर में लाजमी ट्राई करना है। स्पेशली नेहा ट्राई करेंगे और मुझे लाजमी बताएंगे कि ये बटर स्कॉश आइसक्रीम कैसी लगी। विदाउट कंडेंस्ड मिल्क, विदाउट बीटर मैंने ये बहुत ही ज़बरदस्त सी बटर स्कॉश आइसक्रीम रेडी करी है, बहुत ही मज़े की बनी। मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका बाइट आया है। बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही टेस्टी, बाहर से भी कई ज़्यादा अच्छी। आप बटर स्कॉच आइसक्रीम घर में रेडी कर सकते हैं, विदाउट कंडेंस मिल्क, विदाउट बीटर मैंने रेडी किया है। उम्मीद है आप लोगों को बटर स्कॉच आइसक्रीम की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और बतूस किचन को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपीज की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए जी, मैं इस बटर स्कॉच आइसक्रीम को इन्जॉय करती हूँ, आप भी अपने घर में बना के इन्जॉय कीजिएगा, मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग out, lots of love, rakhiye apna bahut bahut khayal, don't forget to subscribe my YouTube channel, hit the bell icon, stay tuned, Allah Hafiz.